स्पष्ट मानना है G20 के बाद जो भारत का सम्मान पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है उसको लेकर के कनाडा के प्रधानमंत्री के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो पहले से ही हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करता रहा है, किसान आंदोलन में भी इन्होंने ऐसा किया था, और भी कई मैटर ऐसे आए हैं जिसमें कनाडा ने हमेशा भारत का विरोध किया है और खालिस्तानियों को आतंकवादियों को हमेशा समर्थन दिया है। भारत सरकार ने कई बार आतंकियों की लिस्ट कनाडा को सौंपी है, बजाय इसके कि कनाडा वो आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान के हवाले करता, उल्टा उसने आतंकवादियों का समर्थन करना चालू कर दिया है। आतंकवादी खुलेआम हिंदुओं को वहां पर धमका रहे हैं, कनाडा छोड़ने की बात कर रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। हमारे वहां राजनयिक हैं, बाकी जो अधिकारी हैं उनके साथ भी आए दिन बदसलूकी होती है, मारपीट होती है। कई बार भारत सरकार प्रोटेस्ट कर चुकी है, उसके बावजूद भी ट्रूडो वहां के वहां खड़े हुए हैं। उनको आतंकियों की जरूरत है, उनको खालिस्तानियों की जरूरत है, क्योंकि उनकी सरकार उनके ही कंधों पर टिकी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं ट्रूडो को कि अगर आपको इतना ही खालिस्तानियों से प्रेम है तो आप तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी भूमि के मालिक हो, अपने अपने कनाडा में ही एक खालिस्तान बना दो, उनकी मंशा भी पूरी हो जाएगी और हमारे देश में शांति भी हो जाएगी और आपकी सरकार भी सदा सदा के लिए स्थिर हो जाएगी। और यही हम कहने के लिए आए हैं। आज 143 करोड़ देश की हिंदुस्तान की जनता एकजुट है। आज हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमारे लोकतंत्र की वाह-वाह आज पूरे विश्व में हो रही है, मगर अगर कोई हमारे लोकतंत्र देश के साथ छेड़छाड़ करेगा, मेरे देश के स्वाभिमान को मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसका डट के विरोध करेंगे। यही कहने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कनाडा एम्बेसी में आप लोग ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं? हाँ, एक ज्ञापन कनाडा एम्बेसी में जा रहे हैं हम देने के लिए, एक ट्रूडो को बाई मेल भेजेंगे, और साथ इसके प्रति हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और विदेश मंत्री जी को दी है, ताकि जो ये कार्रवाई हो रही है उनके भी संज्ञान में रहनी चाहिए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है, इसके लिए एकजुटता के साथ देश के साथ खड़ा हुआ है। ट्रूडो को कौन सी ताकतें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं? क्या लगता है, क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? देखिए, खालिस्तानियों के वहां पर 15-16 MP हैं जो खुलेआम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। शायद उनकी सपोर्ट लेकर के उनके दबाव में बार बार भारत के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आज भारत एक सक्षम देश है, आज भारत इतनी क्षमता रखता है, अगर कोई भारत के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करेगा, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो कनाडा है, हम उसके घर में घुस के मारेंगे। और ऐसा पहले हम पाकिस्तान में कर चुके हैं, और बहुत पहले शहीद उधम सिंह जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके घर में घुस के मार चुके हैं। तो देश के स्वाभिमान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए हमारा देश, हमारे देश का एक बच्चा कुछ भी करने को तैयार है, मगर देश का स्वाभिमान, देश का मान, देश की एकता और अखंडता के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ आज 143 करोड़ देशवासी सहन करने को तैयार नहीं है। जिस तरह से प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं और खालिस्तानियों के जो समर्थक हैं उनकी प्रॉपर्टियां जो जब्त हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? छोड़ दे कनाडा, उस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, वहां पर जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हिंदू संसार के किसी भी कोने में रहता है, वासुदेव कुटुंबम की बात करके रहता है, जी और जीने दो। हम तो सदा यही संदेश देते हैं, हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, जातियां हो रही हैं, वो बंद होनी चाहिए। ये सब काम कनाडा सरकार का है, ट्रूडो का है, इसलिए आज हम ये सब बातें ज्ञापन के माध्यम से ट्रूडो तक पहुंचाने का। आज हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और हमारा स्पष्ट मानना है कि ट्रूडो जब G20 के समय भारत में आए थे, भारत की शान, भारत का मान, भारत का स्वाभिमान देख करके उनके पेट में दर्द हो गया है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने स्पेशल उनसे कहा था कि खालिस्तानियों का संरक्षण देना आप बंद कर दो, मगर उन्होंने इस बात के ऊपर गौर नहीं दिया, उल्टा वहां जाकर के खुल करके खालिस्तानियों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, और जो हमारे वहां हिंदू रह रहे हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, हमारे राजनयिकों के साथ उल्ट सुलट सलूक किया जा रहा है। इसी के लिए आज हम यहां पर आए हैं। हमें मालूम है कि 20-25 सांसद हैं खालिस्तानी समर्थकों के,
जिनकी सपोर्ट में उनकी सरकार टिकी हुई है, इसी कारण से वो खालिस्तानियों के दबाव में है। तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूं भाई, अगर आपको इतना ही खालिस्तानियों से प्रेम है तो आप तो वर्ल्ड की बहुत बड़े भाग है भूमि का, उसका देश है ये, तो आप अपने खालिस्तान बना दो ना इंग्लैंड में, किसी को क्या दिक्कत है। अगर आप वहां पर खालिस्तान बनाते हो अपने कनाडा में, तो हमारा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट भी खालिस्तान को समर्थन दे देगा, क्योंकि रोज रोज का चक्कर चला रखा है खालिस्तान का, वो आपने चला रखा है, कनाडा ने चला रखा है, आप फाइनेंस भी करते हो, उनकी मदद भी करते हो, उनको संरक्षण भी देते हो, बड़ा प्रेम है आपका खालिस्तानियों के साथ। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि खालिस्तान इतना प्रेम है भाई, तो कनाडा में खालिस्तान बना दो, रोज रोज का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और हमारे देश में भी शांति हो जाएगी। तुम्हारा भी खुला समर्थन जो अभी तक दे रहे हो तुम, दुनिया का पता लग जाएगा कि ट्रूडो खालिस्तानियों का सबसे बड़ा समर्थक है। आप ऐसा नहीं करोगे तो देश की 143 करोड़ जनता इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लाखों हमारे बच्चे वहां जाकर के पढ़ रहे हैं, लाखों हमारे लोग वहां पर खेती करते हैं और काम करते हैं। अगर भारत सरकार ने, भारत के लोगों ने यह तय कर लिया कि कोई भी भारतीय कनाडा नहीं जाएगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी, रोटियों को लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आज हम चेतावनी दे रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, इस बात के ऊपर गौर किया जाए। भारत के स्वाभिमान के साथ भारत का कोई भी नागरिक आज इस तरह की बसलूकी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और खालिस्तानी जितने आतंकवादी हैं वो हमारे हवाले करो, ये हमारी मांग है। बंद करो।